नमस्कार दोस्तों, मैं लाल सिंह ठाकुर, आपका बी कीपर दोस्त। हमारे यूट्यूब चैनल हिमालयन बीज में आपका हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आजकल स्वार्मिंग भी कहीं कहीं से हो रही है, और स्वार्मिंग तो मुझे नहीं लगता ये शायद घर छूटी है। तो अभी मेरे भांजे का मुझे कॉल आया, तो मैं बाइक लेके जाता हूँ, और बीच में पैदल रास्ता भी है, रोड भी काफ़ी तंग है, तो जाता हूँ उनको उठा के बक्से में डाल के ले आता हूँ। काफ़ी दूर है फ्रेंड्स, यहाँ से कोई 15 से 20 किलोमीटर दूर। तो दोस्तों, काफ़ी वक्त के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल हिमालयन बीज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए फ्रेंड्स, रॉयल डिलीशियस हार्वेस्टिंग के लिए लगभग लगभग तैयार। आप देख सकते हैं साइज कितना बढ़िया, और ये देखिए फ्रेंड्स, जबरदस्त कलर। दोस्तों, अभी मैं मधुमक्खी पकड़ने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने बॉक्स पीठ में डाला हुआ है, और इस तरीके से हम बगीचे में। अभी मुझे कॉल आया था मेरे भांजे का, तो बी बॉक्स को जो है मैं मधुमक्खियों को इकट्ठा करने के लिए ले जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं पीठ में, बहुत ही मधुमक्खी पालन में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मधुमक्खियाँ आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी दूर है ये उनका बगीचा। रास्ता देखिए आपको, ये इस तरीके से व्यू जो है आजकल बहुत ही खूबसूरत चल रहा है, फुल हरियाली चारों तरफ। ये पनगा गोम्पा, और यहीं से मैं गुजर रहा हूँ मधुमक्खियों को इकट्ठा करने के लिए। थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं कि मधुमक्खियाँ पेड़ को छोड़ के भाग जाएं। दोस्तों, काम कोई सा भी हो, अगर दिल से किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। तो मधुमक्खी पालन में भी काफ़ी सारा काम है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से मधुमक्खियाँ मिल जाती हैं। वो मेरा पैर फिसल गया था यहाँ से। ये देखिए रास्ता यहाँ से लगा है, और व्यू देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए दोस्तों, पहुँच गए हम मधुमक्खियों के पास। ये छोकरे लोग जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, ये दूसरी तेरी रिंगड़ लगा रहे हैं। देखिए बास का अटैक भी, रिंगड़ भी चले हैं इधर। बहुत बड़ा गुच्छा है फ्रेंड्स, ये कम से कम 7 से 8 फ्रेम की मक्खियाँ इसमें, और अभी इनको करते हैं इकट्ठा बक्से में। थोड़ा 2 मिनट पानी पुनी पी लेते हैं, और ये हमारे भांजे लोग और इनके डॉगीज, और ये इनका एप्पल का बगीचा। एप्पल देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत साइज़ और कलर भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये रॉयल डिलीशियस, ये देख सकते हैं आप। नहीं खाते नाती से ना सारे नहीं खाते हैं।
ਇਹਨਾ ਕੀ ਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਬੀ ਬੰਦੇ रानी को आया अंदर आई आई अब तू ने ना पैसे दी को तुम तो आ ए तू जला दे ए रे तू बार ने कतरा को घंटा सी टाइम चला गया कि मीठा कौन है शेर खाने चला मीठा आता रहा है मीठा कौन अरे यार तुम्हें बेकार की सी बुटा खाता ना बड़े जी यार सब बंदे ठोके फोन का यार तो स्प्रे नहीं किया था स्प्रे नहीं किया था नेहरा भाई तीन स्प्रे का माल है ओनली मरम पालन कोई नहीं खाते यार ऐसे कुछ राम से गिराए उतर है ना मधुमक्खियां जो है डिब्बे में वापस जा रही है ये दो अपने मुंडे सेब तुड़ान कर रहे हैं आजकल एप्पल की हार्वेस्टिंग और इन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि मधुमक्खियां जो है इस पेड़ में आके बैठी हुई हैं तो आप इनको आके पकड़ सकते हैं एक बॉक्स लेके आ जाइए तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये मैंने बॉक्स में मधुमक्खियां इकट्ठी कर ली हैं तो इस तरीके से आप भी आजकल मधुमक्खियाँ कहीं दिखती हैं तो इस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं और बॉक्स में डाल सकते हैं इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो बॉक्स मैंने लाया था ये छोटे बक्से में मैंने इसको लाया था आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा सफ़र बाइक के ऊपर भी था तो यहाँ से भी मधुमक्खियों ने एक बार कोशिश की उड़ने की फिर पकड़ी और मैंने अब इस बक्से में ये डाल दी है और ये आप देख सकते हैं फ्रेमें भी मैंने इसमें थोड़ी सी दे दी है और खाली भी डाल दी है तो इस तरीके से ये बॉक्स जो है मैंने आज काफ़ी दूर से पकड़ के लाया है तो इस तरीके से दोस्तों आप भी आजकल मधुमक्खियों के जो स्वार मारें पकड़ सकते हैं और इनको बॉक्स में रख सकते हैं तो ये मेरे सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग मेरे भांजे का फ़ोन आया था और जैसे कि उसने बताया कि यहाँ पेड़ में मधुमक्खियाँ हैं तो काफ़ी दूर का सफ़र था तो फिर मैं टाइमली निकल गया और बाइक लेके और बीच से पैदल और फिर ये मक्खियाँ पकड़ के लाया हूँ तो दोस्तों लास्ट ईयर भी उनके वहाँ पेड़ में ऐसी ही मक्खियाँ आई थी जो कि उसने उड़ा दी थी गलती से उसको याद नहीं रही थी कि इन मक्खियों को पकड़ के हम बक्से में रख भी सकते हैं तो इस बार उसने कोई भी गलती नहीं की और एकदम से मुझे फ़ोन करके मधुमक्खियाँ हमने कैप्चर कर ली हैं तो ये इस बक्से से भी निकल गई थी काफ़ी मूवमेंट हुई हिली और बाइक पे भी हिली तो काफ़ी तंग रोड से मैं ये लाया हूँ तो ये निकल के इस पेड़ में यहाँ बैठ गई थी फिर से मैंने इकट्ठा करके स्टिच डाल दी और आप देख सकते हैं हमारी एपायरी भी और एप्पल जो है रॉयल डिलीशियस लगभग तैयारी हो चुका है हार्वेस्टिंग के लिए आप देख सकते हैं फ्रूटिंग भी ज़बरदस्त तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा नमस्कार।